सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आज की वीडियो में मैं आपको आइटम 5 न्यू न्यू ट्रिक से बताने वाला हूँ, न्यू न्यू सीक्रेट ट्रिक से बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स यार, अभी आप देख ही सकते हो मैं यार क्लॉक टावर पे कहाँ पे चढ़ चुका हूँ। और यार यहाँ पे एक नीचे की साइड में एक बंदा भी आगे की साइड में जा रहा है और यार मैंने उसको है ना मारा, तो यहाँ से यार उस बंदे की यार मैंने यहाँ से बैठे बैठे यार सुताई वगैरह भी कर दी। तो ये वाली ट्रिक भी फ्रेंड्स यार मैं बताने वाला हूँ। सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ और आपको बता देते हैं टॉप 5 सीक्रेट ट्रिक्स। From the ashes, I rise. So, अभी अपन आज को अपने फर्स्ट नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे, तो फर्स्ट नंबर की सीक्रेट ट्रिक आपको यार देखने को मिल जाएगी क्लॉक टावर पे। तो क्लॉक टावर में फ्रेंड्स आपको बर्मुडा रिमास्टर में आ जाना है और यार इस वाली लोकेशन पे आ जाना है, इस वाली लोकेशन पे मैं और यार यहाँ पे आपको एक ग्लू होल की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको यार मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यार ऊपर चढ़ सकते हो इस टावर के ऊपर, है ना। तो टावर के ऊपर चढ़ने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से इधर आ जाना है, मतलब यार यहाँ पे ये जो घास जैसा कुछ बना है ना, फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ से इधर ऊपर के साइड में आ जाना है और यार ग्लू होल के ऊपर जंप कर देना है। फिर आपको यार यहाँ से ना ये जो जोस्टिक वाला बटन है ना, इसको मतलब यहाँ से इधर आ जाओ। फिर यार यहाँ पे ये जो जोस्टिक वाला बटन है ना, देख लो फ्रेंड्स सर, यहाँ पे मैं मार करके दिखा देता हूँ, ये जो जोस्टिक वाला बटन है ना, इसको फ्रेंड्स सर आगे की साइड में कर देना है और आपको यार जंप करते रहना है। तो देख लो यार इस जोस्टिक से आपको यार धीरे धीरे ऊपर के साइड में जंप करते रहना है। तो आप यार धीरे धीरे ना ऊपर के साइड में चढ़ते जाओगे, जिस तरीके से मैं चढ़ रहा हूँ ना उस तरीके से फ्रेंड्स सर आप धीरे धीरे ऊपर के साइड में चढ़ते जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप यार काफी ऊपर चले जाओगे। तो मैं यार यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और देखो मैं फ्रेंड्स यार कितना ऊपर चढ़ गया था वो दिखा देता हूँ ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर आया, फिर यार थोड़ी दूर थोड़ा और, मतलब यहाँ पे मैंने फास्ट करा हुआ है ना। तो आप यार धीरे धीरे ही चढ़ोगे, आपको जो स्टिक आगे की साइड में रहने देना है और आपको जंप करते रहना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऊपर के साइड में चढ़ सकते हो। तो यार मैं काफी देर तक यहाँ पे देखो मैं इतना ऊपर आ चुका था और यार और भी ऊपर जा सकते हैं। बाकी यार मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से कोई बंदा यार रेडार रेडार में आ जाए तो उसको यार डप्पा देते हैं। बाकी यार यहाँ पे कोई भी रेडार में नहीं आया था। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ से देखना जोन के साइड में, काफी देर बाद जोन के साइड से देखो यहाँ पे पैरों की आवाज आ रही है, मेरे को तो आ रही है। बाकी आप लोगों को पैरों की आवाज आ रही है यार नहीं, मेरे को नहीं पता। बाकी यहाँ पे आसपास ही कोई बंदा दौड़ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद है ना वो जैसे ही बाहर निकला ना, ये रहा वो बंदा, देखो मेरे नीचे ही था और जैसे ही वो थोड़ा दूर गया तो मेरे रेडार में आया और फिर मैंने उसको यार इसी तरीके से टपका दिया था। तो ये फ्रेंड्स सर मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सर आप यहाँ से ना ऊपर से यार बंदे वगैरह भी मार सकते हो। तो ये एकदम ओपी है, एकदम न्यू है, एकदम यार मस्त वाली ट्रिक है। आपको यार कैसी लगी? और यहाँ से यार जंप करोगे तो कुछ 40-50 का डैमेज भी लगेगा। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने दूसरे नंबर की ट्रिक पे। सो दूसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक फ्रेंड्स सर काफी कम बंदों को पता होगी। बाकी फ्रेंड्स सर हो सकता है कुछ लोगों को ये वाली ट्रिक पता हो। बाकी फ्रेंड्स सर ये वाली ट्रिक में होता ही है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स सर अगर आपके पास क्रोनो है और अगर फ्रेंड्स सर आप क्रोनो जला के इस टंकी के पास आते हो तो आपको यार जीरो डैमेज लगता है। यहाँ पे देखो मैंने क्रोनो जलाया और टंकी फोड़ दी, ऑयल बैरियर को फोड़ दिया, तो मुझे यार थोड़ा सा भी डैमेज नहीं लगा है। तो मैं एक और बार आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे मेरा थोड़ी देर बाद यार क्रोनो चार्ज हो गया, फिर यार मैंने यहाँ पे क्रोनो जलाया और फिर यार टंकी फोड़ी, ऑयल बैरियर को फोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं लगा है। तो आप लोगों को पता है यार नॉर्मल आप जैसे ही टंकी फोड़ते हो तो आपकी यार डेट वगैरह हो जाती है, मतलब यार आप मर जाते हो। तो अगर मैं क्रोनो नहीं जलाता और नॉर्मल यार टंकी वगैरह फोड़ लेता तो मैं मर जाता। तो ये वाली ट्रिक से फ्रेंड्स सर आप अपने दोस्तों को सरप्राइज कर सकते हो। बाकी देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल टंकी फोड़ता हूँ तो मैं यार यहाँ पे डायरेक्ट मर जाऊंगा, AWM से मारता हूँ मर जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो यार मैंने AWM से जैसे ही ऑयल बैरियर को फोड़ा तो मैं डायरेक्ट मर चुका हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर आप डायरेक्ट फोड़ते हो तो यार मर जाते हो, बाकी यार आप क्रोनो जला के फोड़ते हो तो यार आप मरते नहीं हो। बाकी आप लोगों को ये ट्रिक पता थी कि नहीं कमेंट में जरूर से बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते हैं अपने तीसरे नंबर की ट्रिक पे। सो अभी अपन आज को अपने तीसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे। तो तीसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक फ्रेंड्स सर आपको देखने को मिल जाएगी परगेट्री में। मैं परगेट्री में फ्रेंड्स सर आपको यहाँ पे आ जाना है इस वाली हवेली के पास, जिस वाली हवेली के पास मैं हूँ। सो फ्रेंड्स सर यहाँ पे ऊपर के साइड में एक बंदा कैंप कर रहा है, तो यार काफी लोग, मैंने सोचा यार यहाँ पे एक ट्रिक रिकॉर्ड कर लेता हूँ ना। तो यार यहाँ पे मैं जैसे ही लैंड किया ना तो एक बंदा भी साथ में लेटा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार यहाँ पे अगर कोई बंदा लेटा हो ना तो उसको फ्रेंड्स सर आप किस तरीके से मार सकते हो। वो बंदा यार कैंप वगैरह कर रहा है, सर्वाइव वगैरह कर रहा है, अपनी रैंक को पुश कर रहा है। तो चलो यार मैं
उसकी रैंक का आराम से पुश करवा देता हूँ, बेचारे को बेक करवा देता हूँ ना। सो फ्रेंड्स सर, यहाँ से आप यार उस बंदे को मारोगे तो वो बंदा यार इसी तरीके से मर जाएगा। देखो फ्रेंड्स सर, यहाँ से मैं बंदे को मार रहा हूँ और वो बंदा यार इसी तरीके से खत्म हो चुका है। सो फ्रेंड्स सर, अगर आपको भी यार वहाँ पे कोई बंदा कैंप वगैरह करते हुए दिखे तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार सकते हो। अगर आप लोगों को लगे कि वहाँ पे यार हवेली के ऊपर कोई बंदा रैंक वगैरह रहा है तो आप जाओ और यहाँ पे आ जाओ और यार यहाँ से उस बंदे की सुताई वगैरह कर दो। तो ये ट्रिक यार हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, बाकी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। सो चलो यार अभी अपन जल्द अपने नेक्स्ट नंबर की ट्रिक पे। सो चौथे नंबर की ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगी परगेटर मैप के अंदर। परगेटर मैप में फ्रेंड्स सर आप फायर ब्रिगेड पे आते हो और फायर ब्रिगेड पे फ्रेंड्स सर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोन्स्टर ट्रक लगाते हो। बाद में फ्रेंड्स सर मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको यार मोन्स्टर ट्रक को सेट करना है। बाकी फ्रेंड्स सर ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है ना, तो यार यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइव करना है और ड्राइव करना है और गेट आउट करना है। तो गेट आउट आप जैसे ही करोगे और यार एक जंप करोगे तो आप यार इस घर के अंदर यार डायरेक्ट रश कर सकते हो इस तरीके से, और यार यहाँ पे कोई बंदा वंदा हो तो उसको यार इजी तरीके से टपका सकते हो। तो एक और बाद में फ्रेंड्स सर आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ड्राइव करना है और गेट आउट करना है और एक जंप करना है। तो आप यार यहाँ पे इस घर के अंदर यार इजी तरीके से अंदर घुस सकते हो और कोई भी बंदा हो तो उसको यार इजी तरीके से टपका सकते हो, और ये एकदम मस्त वाली ट्रिक है। बाकी फ्रेंड्स सर मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको यार किस तरीके से मोन्स्टर ट्रक को सेट करना है। तो मैं पहले तो यार यहाँ पे एक और बार ऊपर आ चुका हूँ, बाकी यार यहाँ से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, फिर यार आप लोगों को बता पाऊंगा कि यार मेरे को मोन्स्टर ट्रक किस तरीके से सेट करना है। बाकी यार यहाँ पे मैं जोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे बार बार मोन्स्टर ट्रक मिलता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास यार यहाँ पे फायर ब्रिगेड में आसपास यार मिले तो इस तरीके से आप यार मोन्स्टर ट्रक को लगा के इस तरीके से सेट कर सकते हो। बाकी यार मोन्स्टर ट्रक को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टायर है ना, ये टायर को आपको फ्रेंड्स सर ये दो खंबे ना बीच में जो खंबे वगैरह देखने को मिलते हैं वहां पे आपको सेट कर देना है। तो देख लो ये जो दो खंबे वगैरह है ना, तो यहाँ पे सेट कर दो तो आप यार कुछ इस तरीके से इजी तरीके से ऊपर भी देख पाओगे, और ऊपर देखने लग जाओ तो गेट आउट कर दो, और गेट आउट आप जैसे ही करोगे एक जंप करोगे तो आप यार इजी तरीके से घर पे आ जाओगे। तो वहां पे दो पिलर देखने को मिलते हैं ना, उस दो पिलर के बीच में आपको सेट कर देना है। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। ये वाली ट्रिक आपको अच्छी ही लगी होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ यार, अगर अभी तक आपने 4G लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो यार अभी अपन जल्द अपने 5वें नंबर की ट्रिक पे। सो 5वें नंबर की ट्रिक को फ्रेंड्स सर अपन एक फैक्ट भी बोल सकते हैं। बाकी यार ये वाला फैक्ट यार काफी सारे बंदों को पता है, बाकी यार यहाँ पे कुछ न्यू हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स सर आप जैसे ही यहाँ पे कोई ग्लू वॉल वगैरह डालते हो तो मैं यार ये वाली ट्रिक आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला फैक्ट आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स सर आप ऊपर के साइड में जाते हो, मतलब यार यहाँ पे ग्लू वॉल आप डालते हो और उसके ऊपर यार आप लैंडमाइन लगाते हो, तो आप यार लैंडमाइन अब यार ग्लू वॉल के ऊपर नहीं लगती। तो मैं यार यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स सर, मैं ग्लू वॉल के एकदम बीचों बीच आ चुका हूँ और यार यहाँ पे मैंने एक लैंडमाइन फुट कर दी है, मतलब लैंडमाइन लगा दी एकदम यार बीचों बीच लगाई थी। बाकी यार यहाँ पे लैंडमाइन है ना वो नीचे आ चुकी है, मतलब यार नीचे नहीं आना चाहिए, हवा में फ्लाई करना चाहिए, बाकी यार यहाँ पे फ्लाई नहीं कर रही है वो, यार लैंडमाइन नीचे आ चुकी है। सो फ्रेंड्स सर ये कुछ मतलब कुछ नया हो चुका है, कुछ अपडेट आ चुका है जिसमें फ्रेंड्स सर यहाँ पे लैंडमाइन हवा में फ्लाई नहीं करती है। तो मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे यार जोन भी आ रहा है पीछे से, तो मेरे को यार यहाँ पे दो माइन लगाना पड़ेगी, फटाफट से आपको करके भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे फ्रेंड्स सर यहाँ पे देखो मैंने ग्लू वॉल तो सेट कर दिया, ये वाला ग्लू वॉल है ना, मतलब आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो ये वाली ट्रिक को करने के लिए। बाकी यार ये एक फैक्ट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने माइन लगाई, बाकी यार लैंडमाइन हवा में फ्लाई वगैरह नहीं कर रही है। तो ये कुछ अमेजिंग सा था, कुछ यूनिक सा था, तो यार मैंने बता दिया लास्ट में ना। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, ये वाला पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ यार, अभी तक आपने 4G लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार उसको भी सब्सक्राइब कर देना। तो ओके फ्रेंड्स सर, बाय, मिलते ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स सर, बाय।